नमस्कार, मैं आस्था श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकनाथ। आइए डालते हैं आज की खास खबर पर नजर। ग्वालियर में भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित भाजपा विधायक प्रीतम लोधी के बेटे दिनेश लोधी के खिलाफ धमकी देने का मामला दर्ज हुआ है। शिकायतकर्ता ने पुलिस को इसके सबूत दिए हैं, जिसके आधार पर पुरानी छावनी थाना पुलिस ने FIR दर्ज कर आगे की जाँच शुरू कर दी है। शिवपुरी जिले की पिछोर विधानसभा सीट से भाजपा विधायक प्रीतम लोधी के बेटे दिनेश लोधी पर सिकंदर यादव नाम के व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि दिनेश लोधी ने उन्हें धमकी देते हुए हाथ पैर तोड़ने की बात कही है। सिकंदर यादव ने इसकी कॉल रिकॉर्डिंग पुलिस को शिकायत पत्र के साथ दी है, जिसके आधार पर पुलिस ने IPC की धारा 506 के तहत धमकाने का मामला दर्ज कर लिया है। गौरतलब है कि दिनेश लोधी और सिकंदर यादव दोनों ही ग्वालियर के जलालपुर में रहते हैं। दोनों के बीच पुरानी रंजिश भी बताई जा रही है। ऐसे में ग्वालियर ASP निरंजन शर्मा का कहना है कि फिलहाल सबूत और शिकायत पत्र के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच भी शुरू कर दी है। प्रीतम लोधी के बेटे पर गंभीर आरोप लगे हैं दिनेश लोधी पर, क्या पूरा मामला रहा है सर? ये सिकंदर यादव ने थाना पुरानी छावनी में लिखित आवेदन और एक मोबाइल की रिकॉर्डिंग पेश की है, और लिखित आवेदन में जो घटना बताई है कि उसको दिनेश लोधी ने जान से मारने की धमकी दी है, और ऑडियो भी उसने अपना पेश किया है। तो उसके लिखित आवेदन पर प्रथम दृष्टया अपराध 506 का पाए जाने पर अपराध पंजीवृत किया गया, विवेचना में लिया गया। हाँ जी, ऐसी जानकारी मिली है कि जो प्रीतम लोधी जी के पुत्र। अब क्या आगे क्या पार्ट रहना है? अब इसमें इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा और ऑडियो की जांच कराई जाएगी, वॉइस टेस्टिंग कराया जाएगा। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारे अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि Instagram और Facebook को भी आप फॉलो कर सकते हैं।